अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए वनीला कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप रेसिपी ट्राई करें, अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए हम ये कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक लीटर मैंने दूध ले लिया है, वो इसमें पतीली में डालूंगी। ये एक लीटर दूध का मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। ये इसमें हाफ कप चीनी जाएगी, ये इसमें चार पांच सब्जी इलायची जाएंगी। ये बॉयल आने तक दूध को हम पका लेंगे। ये दूध बॉयल होने तक ये मैं कस्टर्ड इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये तकरीबन दो बड़े खाने के ये चम्मच इसमें ये वनीला कस्टर्ड पाउडर जाएगा। ये मैं वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ। ये मैं वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ, हमें वनीला फ्लेवर पसंद है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो इसी तरीके से आप कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें आराम से ये थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डाल देंगे, साथ ही मैं ये चम्मच चलाती रहूंगी। इसको हम एक दो मिनट पका लेंगे इसको अच्छे से कस्टर्ड को, फिर मिलती हूँ आपसे। ये कस्टर्ड रेडी है, अब इसको मैं डिश में निकालूंगी। ये इस तरीके से ये मैं फ्रूट केक रख दूंगी। कोई भी आप फ्रूट केक लेके उसमें ये इस तरह से जैसे भी आपका दिल करे। अगर आप नहीं पसंद करते ये फ्रूट केक तो ये ना डालें, कोई इशू नहीं है। ये इस तरह से ये मैं कस्टर्ड निकाल लूंगी इसमें। ये मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे गार्निश कर लूंगी। ये हमारा वनीला कस्टर्ड तैयार है, बहुत ही मजेदार और 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको ट्राई करें आप और मेरे को दसाओ कि मेरा किवें बने मीठा। ते हूँ मिठे तरीके नाल तुसा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ते दुआवां याद रखो, ते अल्लाह हाफिज़।